जय श्री राम दोस्तों, आज हम बात करेंगे अंगराज कर्ण को दिया साप। एक दिन सूर्यपुत्र कर्ण शिकार खेलने गए थे। झाड़ियों के पीछे किसी हिंसक प्राणी की आशंका होने पर बिना पड़ताल किए ही कर्ण बाण चला देते हैं। दुर्भाग्यवश वह एक गाय होती है। उस गाय का रखवाला ब्राह्मण यह दृश्य देख बहुत क्रोधित हो जाता है। कर्ण उस ब्राह्मण से माफ़ी मांगने लगते हैं, पर वह ब्राह्मण कहता है कि मैं तुम्हें माफ़ तो कर दूंगा, पर पहले मेरी इस गाय को जीवित करके दो। उसका भूखा बछड़ा मेरे घर पर बंधा हुआ है और वह भूख से बिलख रहा होगा। मुझे इस गाय को उसके बछड़े के पास जीवित लेकर जाना है। कर्ण ऐसा करने के लिए अपनी असमर्थता बताते हैं। तभी वह ब्राह्मण कर्ण को अपनी उस गलती के लिए शाप देता है कि जिस तरह तुम रथ पर सवार होकर अपनी शक्तियों के मध में खुद को श्रेष्ठ समझने लगे हो और दूसरों पर बिना सोचे समझे कहर ढा रहे हो, एक दिन जब तुम अपने जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई लड़ रहे होगे, तब तुम्हारे रथ के पहिए जमीन में धस जाएंगे और भय का राक्षस तुम्हें चारों ओर से घेर लेगा। भविष्य में जब कर्ण अपने जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई अर्जुन से लड़ रहे होते हैं, तभी कर्ण के रथ के पहिए रणभूमि में जमीन में धस जाते हैं और तब कर्ण जमीन में धसा पहिया निकालने नीचे उतरते हैं। इस अवसर का लाभ उठाकर अर्जुन कर्ण का वध कर देते हैं। इस तरह ब्राह्मण का शाप सत्य हो जाता है। दोस्तों, सनातन धर्म से जुड़ी ऐसी और भी रोचक जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम।